हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो चलिए थर्ड पार्टी डेली अपडेट में देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, तो अभी आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ में उनका क्या चल रहा है, कैसी फीलिंग्स है, कैसे इमोशंस है, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और डियर, यहाँ पर हम पहले कार्ड निकालेंगे आपके लिए कि अभी आप क्या फील कर रहे हैं, आप अभी किस एनर्जी में हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स जो हैं अभी किस एनर्जी में हैं, आपका जो लाइफ है उसमें अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो डियर ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ठीक है, कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। कार्ड बहुत ज्यादा बिखर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा बिखरी हुई है, बहुत ज्यादा ऐसे मोड से गुजर रही है जहां पर आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफी लोग बहुत ज्यादा उदास हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, उनकी लाइफ पूरी तरह से बिखरी हुई है, उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा है जहां पर आप खुशियां तलाश रहे हैं। तो डियर कमेंट में जरूर बताइएगा ऐसा कुछ है तो, क्योंकि यहां पर एनर्जी इसी तरह की निकली है। मैंने शफलिंग भी नहीं करी थी, कार्ड बहुत ज्यादा आप देख रहे थे किस तरह से निकल रहे थे। ठीक है, चलिए कार्ड निकालते हैं और देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अभी किस एनर्जी में हैं, फिर हम थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालेंगे और देखेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, कैसी एनर्जी है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कार्ड देखते हैं। तो डियर यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, पैसों को लेकर या तो बहुत ज्यादा इशू चल रहा है या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आ रहा है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, पर कोई रहने नहीं देता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में एक स्थिरता आए, एक बैलेंस आए, लेकिन डगमगा जाता है बार बार आपका बैलेंस, है ना। बहुत ही उदास वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, बहुत ही उदास, बहुत ही मायूसी वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आप अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा भी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कहीं से कोई टावर मोमेंट आ चुका है और आप बहुत ही ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ही, ये बॉटम की एनर्जी है डियर, बहुत ही ज्यादा जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ही उलझे हुए मुझे आप में से कई लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ बहुत उलझनों से चल रही है। तभी मैंने कहा था कि कार्ड की शफलिंग करने के दौरान ही यहाँ पर जो कार्ड निकल रहे हैं वो ऐसे निकल रहे हैं कि बहुत कुछ बयां कर रहे थे कि आप बहुत ही परेशानी में हैं मेरे व्यूअर्स, आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज्यादा सैड हैं, त्योहार है या जो भी लाइफ है, आप मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना भी चाहते हैं, पर कहते ना कि एक विश्वास होते होते भी कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा गया है, ऊपर वाले पर से आपकी आस्था जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ाने लगी है, आपको ऐसा लगने लगा है कि बस अब कोई भी मेरा साथ नहीं दे सकता, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टेम्परेंस का कार्ड है और आप सबके साथ खुश रहने की कोशिश करते हो, आप सबके साथ में बैलेंस करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में खुशियां आए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, पर कोई ना कोई आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम को खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं, आपको खुश नहीं रहने देते हैं। ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपसे बहुत कहीं ना कहीं ज्वेलस हैं। और देखिए, आप मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत जिंदा दिल इंसान हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया करते थे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करना, अपने जिंदगी में छोटी सी छोटी खुशियों को भी आप बहुत अच्छे से एंजॉय किया करते थे, ऐसी आपकी जिंदगी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आपको अनबैलेंस बहुत किया जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपको बार बार, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार नीचे गिरा देते हैं, बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, वो चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ को बहुत अनबैलेंस किया गया है आपका, और बहुत आपके लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी किया है कुछ लोगों ने, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है, सैडनेस आई है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आप में से काफी लोग जो है बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, दर्द इतना है कि आप बता नहीं सकते, कुछ ऐसे टावर मोमेंट आपने देखे हैं, कुछ ऐसी स्थितियां आपने देखी है जिसके चलते आपकी विशेष जो थी, जो आपके सपने थे वो टूटे हैं, वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है डियर, यहाँ पर आप अभी
अभी भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों को सही करने में लगे हुए हो, ऐसा नहीं कि आपने हार मान ली है। आपकी भले ही खुशियां छिन गई है, आपकी जिंदगी इसमें बहुत तूफान उथल पुथल आई है, पर आप फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, अपने ओरे को बहुत पॉजिटिव रखते हैं। आप जिसके भी साथ जुड़ते हो ना, आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ओरा इतना पॉजिटिव है कि आप जिसके भी साथ जुड़ते हो ना, उसकी तरक्की, उसकी तकदीर बदलने लगती है, उसकी तरक्कियां शुरू हो जाती है। ऐसा आपका ओरा दिखाई दे रहा है कि आप उन इंसान के लिए गुड लक साबित हो जाते हो। देखिए, उसकी तरक्की शुरू हो जाती है, उसकी आबादी आपने देखी होगी। कई लोग ने बोला भी होगा कि यार बहुत सक्सेस मिली है, बहुत ज्यादा तरक्की मिली है, लेकिन आपकी लाइफ थोड़ा सा वहीं के वहीं रहती है। एक साइकिल आपकी लाइफ में चलता रहता है और लोगों को तो आप हील करते हो। हो सकता है आप में से कई लोग जो है टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर कोई हीलर हो सकता है, या किसी तरह का कुछ तो आप करते हैं जिससे लोगों को आप हील कर पाते हैं, तो लोग आपसे हील हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने जीवन में दुखी हो, आपका दुख मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा उदासी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा ऐसी स्थितियां आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जो काफी हद तक ये बता रही है कि आपकी उदासी, आपकी मायूसी आपके चेहरे पर आप झलकने नहीं देते हैं, दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपके दिल में जो चीजें चल रही है, जो तूफान है, वो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। अंधेरा है आपके जीवन में, लेकिन आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल रहा है। पैसा तो है पर आप यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर पैसों की आपको बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आप अपने ऊपर उस मनी को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारा बोझ है कि आप अपने ऊपर कोई भी पैसा नहीं डाल पा रहे हैं, कोई भी पैसा यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की परवाह करते रहते हैं, लोगों पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। दिल से आप बहुत ही अच्छे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप अपने विश को पूरा भी करना चाहते हैं, जो आपके टावर मूवमेंट है उनसे निकलने के बारे में भी आपके डिसीजन चल रहे हैं, और अकेले रहकर आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने आप को एक तरह से मैं बोलूं तो अपना इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो किसी तरह का, कि जो स्थितियां आपके सामने आई है, ये जो अनबैलेंस वाली स्थिति आपने देखी है, टावर मूवमेंट देखा है, जो बंधनों में आप बंध गए हैं, अननेसेसरी आपके लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया है, जो कंफ्यूजन आया है, आप उससे छुटकारा भी चाहते हो। आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ से खत्म हो जाए, सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें जो हैं वो आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। चलिए थर्ड पार्टी को लेकर हम कुछ कार्ड निकालते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में। ओके डियर, तो चलिए हम शफलिंग करते हैं, और शफलिंग के दौरान आपको फोकस करना है थर्ड पार्टी के ऊपर या फिर अपने पार्टनर के ऊपर। तो अभी तो हमने देखी आपकी एनर्जी, अब हम कार्ड निकाल रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो चलिए थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या निकल के आती है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेटकेल, बताएं कि थर्ड पार्टी का कैसा चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ में पार्टनर की एनर्जीज जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है जो बता रही है कि शायद इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। क्यों पता नहीं, देखते हैं कार्ड क्या बताते हैं। एनर्जी तो यही बता रही है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें और बताएं कि क्या एनर्जी निकलती है, पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ में किस एनर्जी में है। देखिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर चैरियट का निकला है, और ये चैरियट का कार्ड जो है बहुत कुछ यहाँ पर बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में किस हाल में है, और उन्हें कहीं ना कहीं कुछ जरूरतें महसूस हो रही है। और देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही वैसी बताई जा रही है, और टेन ऑफ वांड है। आप समझ सकते हैं कि बर्डन लिया जा रहा है, आपके पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने दायित्व को, अपनी सारी चीजों को देख रहे हैं, अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, और डियर ये बहुत सारी जिम्मेदारियों में इतना उलझ चुके हैं, इतना ज्यादा उदास हो चुके हैं कि ये मायूस से मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा
परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बहुत सरदर्द बन चुका है इनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप। आपके पार्टनर को अब इस थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में उन्हें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की जो प्लानिंग्स चल रही है, थर्ड पार्टी के जो चीजें चल रही है, उसमें आपके पार्टनर को अब महसूस होने लगा है कि इन्होंने जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स डाले थे, जरूरत से ज्यादा इन्होंने उस थर्ड पार्टी के लिए बहुत किया था। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, किसी ना किसी तरह से ये दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर एक चीज ऐसी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज्यादा खिचड़ी पकती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर ये थर्ड पार्टी कंफ्यूजन पैदा करती रहती है आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में। और डियर ये देखिए कि ये पार्टनर जो है कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, दो दो कार्ड्स ऐसे हैं जो कंफ्यूजन को बता रहे हैं। और अब आपके पार्टनर बहुत बेवकूफ बन चुके हैं, बहुत ही गलत डिसीजन ले चुके हैं, बहुत ही गलत रास्ते पे जा चुके हैं। अब वो कोई गलत रास्ता नहीं चुनना चाहते हैं, गलत रास्ते से निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीजें उनको कहीं ना कहीं जीने नहीं दे रही है, उसके कारण अब वो थर्ड पार्टी से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं, और बॉटम की एनर्जी बता रही है कि ये पार्टनर जो है वो, देखिए बॉटम की एनर्जी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी से जो एनर्जी निकली है नाइन ऑफ सोर्ड्स है, सेवन ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही एनर्जी बता रही है कि चिटिंग, धोखा और ऐसे हालात जिसमें कोई किसी पर यकीन ना करे, ऐसे हालातों को खड़ा कर दिया है थर्ड पार्टी ने पार्टनर के सामने। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में ऐसे ही सिचुएशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और अब आपके पार्टनर को कोई रास्ता, कोई जगह नहीं मिल पा रही है कि वो कोई डिसीजन ले सके। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। देखिए बात करी जाए तो डियर थर्ड पार्टी में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हकीकत तो यही है कि आपके पार्टनर का जो थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशनशिप है वो बहुत ही मुश्किल दौर से है, क्योंकि आप कार्ड देख लीजिए, पार्टनर इतने मुश्किलों में है, इतने दर्द में है, इतनी तकलीफों में है कि ये किसी को बयान नहीं कर पा रहे हैं कि इनकी लाइफ जो है, इनका फ्यूचर जो है वो किस तरह का हो रहा है। बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं डियर आपके पार्टनर। खुल के बातें होगी यहाँ पर, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ कि खुल के बातें होगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर जो डर रहे थे, आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो उनको एक डर सताता था कि थर्ड पार्टी से अगर कुछ बहस करते हैं या थर्ड पार्टी से कुछ बातें करते हैं तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है दुनिया, समाज, सबको कहीं ना कहीं खड़ा कर देगी। लेकिन अब आपके पार्टनर जो है बहुत नाराज हो चुके हैं, बहुत ज्यादा नाराजगी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है, और ये थर्ड पार्टी से अब खुल के बात करना चाहते हैं। जो भी बातें हैं ये थर्ड पार्टी से करना चाह रहे हैं और खुल के बात करेंगे डियर। ये अब कोई पर्दा नहीं रखना चाहते इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जबरदस्ती का बन चुका है और इस रिश्ते को जबरदस्ती से झेलना या चलाना गलत बात है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव करते हुए दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे छीनना चाहती है, ये बात आपके पार्टनर के कान में पड़ चुकी है। आपके पार्टनर को समझ आ चुका है, चाहे ये थर्ड पार्टी फैमिली है, चाहे ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है, जो भी कोई है, पर यहाँ पर चीजें यही बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे छीनना चाह रही है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आपसे छीन कर एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहती है जहां पर ये अपनी एक खुद की दुनिया बना सके, जहां पर ये आपके पार्टनर के साथ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके, जहां पर आप इनकी जिंदगी में ना हो, इरादों के साथ में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन दे रही है, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां डालने की कोशिश कर रही है, उन्हें बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है, आप मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे, इस तरह का यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, वो भी थर्ड पार्टी की तरफ से। वर्तमान में देखा जाए तो डियर आप दोनों में बहुत कलेश चल रहा है। आज की स्थितियों की बात करी जाए, मैंने जैसे अभी आपकी रीडिंग करी तो आपकी पर्सनली में दिखाई दे रहा था कि आप बहुत दुख से गुजर रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत कलेश हुआ है इस थर्ड पार्टी के आ जाने से, आपके लाइफ बहुत प्रॉब्लम में आई है, थर्ड पर्सन ने आकर आपके जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव खड़े करे हैं, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब करी गई है, और डियर बहुत ही प्रॉब्लम में आपकी जिंदगी को लाया गया है। ठीक है,
मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस कलेश से, जिस टेंशन से गुजर रहे हैं, उसके कारण आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और वो चीज आपके पार्टनर को भी अच्छी नहीं लगी कि उनकी वजह से आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आप मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इशू आया है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। दुनिया के सामने थर्ड पार्टी की तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि धज्जियां उड़ने वाली है और उड़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी की पार्टनर ने जो बेइज्जती करी है ना, जो पार्टनर के साथ में उसने बहुत गलत किया है, अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को नहीं बख्शने वाले हैं, वो भी थर्ड पार्टी की धज्जियां सबके सामने उड़ाने वाले हैं। अभी तक शायद आपके पार्टनर मुंह बंद करके ही बैठे थे, अभी तक आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए, चलो गलत कर भी दिया थर्ड पार्टी ने तो कोई बात नहीं, उसे माफ कर दिया जाए, पर ये थर्ड पार्टी माफी के लायक नहीं है। और आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज हो रहा है, ये फील हो रहा है कि अब उनको इस थर्ड पार्टी से निकल जाना बेहतर होगा, और थर्ड पार्टी को सबक सिखाना भी आपके पार्टनर चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने जरूरत से ज्यादा आपके पार्टनर की लाइफ, आपके पार्टनर के फ्यूचर, आपके पार्टनर की पूरी जिंदगी को इस थर्ड पार्टी ने दाव पे लगा दिया है। आपके पार्टनर ने अपनी खुशियां, अपना फैमिली, अपना सब कुछ इस थर्ड पार्टी के चक्कर में कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया है। दुनिया के सामने जब धज्जियां उड़ेगी, जब थर्ड पार्टी बेनकाब होगी, जब थर्ड पार्टी के बारे में बातें उड़ेंगी, तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा रियलाइज होगा, थर्ड पार्टी को थोड़ी बातें समझ आएगी कि ये आपके पार्टनर को अब और ज्यादा नहीं दबा सकती है, और ज्यादा ये प्रेशर नहीं डाल सकती है, क्योंकि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनर के दिल में एक तरह से देखा जाए तो एक ज्वेलसी हो रही है, एक आग लगी पड़ी हुई है थर्ड पार्टी के पीछे, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार तो बहुत गहरी डाली है, और आपके पार्टनर इन बातों को रियलाइज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में अब वो खुश नहीं है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, आपके आंसुओं का यहाँ पर हिसाब कर रहे हैं खुद आपके पार्टनर, क्योंकि उनको जो नेगेटिविटी घेर रखी थी, जो नेगेटिव चीजें उनके ऊपर हावी हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लिया, थर्ड पार्टी में चले गए, बेवकूफियां करी है ना, चीजों को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए कि उनके जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं वो रास्ता एक खाई की तरफ बढ़ रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था उस रिश्ते में, फिर भी ये कुछ हकीकत को देखकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे थे। लेकिन आज ये पार्टनर जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आंसुओं का हिसाब यहाँ पर जल्द से जल्द हो रहा है, ठीक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे डियर, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को बहुत ही ऐसा मान लिया था कि जैसा चाहेगी वैसा ही आपके पार्टनर को नचा लेगी, लेकिन कहते ना कि कभी कभी आप जिस तरह से आप खामोश हो गए, जिस तरह से आपने आप बोलना बंद कर दिया, आप पहले लड़ते थे लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप साइलेंट हो चुके हो, अब आप क्या कर रहे हो, आप वो चीजों को करना चाह रहे हो, जो भी चीज वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस मैनिफेस्टेशन आपका जो है वर्क कर रहा है, मैनिफेस्टेशन आपका वर्क करता हुआ दिख रहा है। पार्टनर अपने आप को आजाद कर लेंगे डियर, इस थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस कंफ्यूजन लाइफ में नहीं रहना है, थर्ड पार्टी की कैद से वो आजाद होना चाहते हैं, वो निकलते हुए दिख रहे हैं, जाना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी की जिंदगी से, थर्ड पार्टी की लाइफ में उनको बहुत नेगेटिविटी फील हुई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील हुई है, और ऐसी नेगेटिविटी, ऐसे दर्द से अब आपके पार्टनर जो है निकलने के बारे में सोच रहे हैं, एक स्टेप ये लेना चाहते हैं, काले कारनामे, इस काली करतूते इस थर्ड पार्टी की सबके सामने लाने के लिए बेकरार हैं आपके पार्टनर। और डियर यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि महायुद्ध होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी जो है वो भी किसी तरह के महायुद्ध में फंस जाएगी आपके पार्टनर के साथ में, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो महायुद्ध है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से होने वाला है डियर। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सरेआम होगा, अब जो होगा सरेआम होगा, कोई छुपके बात नहीं होगी, कोई पीछे से बात नहीं होगी, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो शराफत का चोला ओढ़ रखा है ना, वो हटेगा है ना, वो बेनकाब होगी ये थर्ड पार्टी। और अचानक आपके पार्टनर का दिमाग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग के जो कनेक्शन है, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं बदलती हुई दिख रही है। आप यूं समझ लीजिए कि अचानक आपके पार्टनर यू टर्न लेंगे है ना, यू टर्न लेने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जो बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर को
बहुत घुटन महसूस हो रही है और इसकी मनमानी आपके पार्टनर नहीं सहन कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की मनमानियों से अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है और पार्टनर यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। धोखे से थर्ड पार्टी ने उनको फंसा लिया था और धोखे से थर्ड पार्टी ने उन्हें छीना है। आपको भी ये पता है कि ये थर्ड पार्टी ने कुछ तो षड्यंत्र करा है किसी तरह का, कोई तो नेगेटिव एनर्जीज, किसी तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसके चलते आपके पार्टनर का दिमाग जो है अनकंट्रोल हो चुका है। तो इस थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया है आपके पार्टनर के दिमाग को, आपके पार्टनर के माइंड को और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी का हाल जो है बहुत ही बुरा मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी छीनने में कामयाब भी हो गई थी आपके पार्टनर को, पर कहते ना कि जिसकी चीज है वो घूम फिर के उसी के पास आती है, तो वो चीज वहीं पर आई है। आपके पार्टनर को उलझाया है इस थर्ड पार्टी ने, आपके पार्टनर के साथ में गलत किया है इस थर्ड पार्टी ने। अब सही हो रहा है, जो भी हो रहा है यहाँ पर डिवाइन की तरफ से हो रहा है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है क्योंकि आपके इसमें स्टार का कार्ड निकला था, आपने देखा था और वो स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके दिल में जो दर्द है, आपके दिल में जो तकलीफें हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होने वाली है। आप जिस भी इच्छा को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपकी विश है वो कहीं ना कहीं मुझे पूरी होती दिख रही है। काफी लोग के दिल का अगर मैं हाल बोलूं तो वो चाहते हैं कि बस कुछ ना हो, बस ये थर्ड पार्टी का खात्मा हो जाए, ये थर्ड पार्टी जिंदगी से चली जाए, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाए, चैन आ जाए, बस यही काफी लोगों की मुझे एक इच्छा यहाँ पर निकलती हुई दिख रही है। बहुत सारे लोगों की बात करी जा रही है तो डियर वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी के साथ हो रही है चीटिंग। अब चीटिंग यहाँ पर उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इसको चीटिंग किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इसने जो आपके साथ में किया था वो सारी चीजें इसको एक एक करके मिल रही है। आपके पार्टनर यहाँ सबके खिलाफ हो रहे हैं। आपको पाना है डियर, है ना, यहाँ पर स्टैंड लेंगे, सबकी बोलती बंद कर देंगे डियर। आपके पार्टनर आपके खातिर, आपके प्यार के खातिर आपके पार्टनर जो है वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं और बहुत जल्द स्टैंड लेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, पार्टनर खुद आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेकर स्ट्रांगली खड़े होने वाले हैं। प्यार के जो दुश्मन हैं उन सबको मुंहतोड़ जवाब आपके पार्टनर की तरफ से मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एनर्जीज बहुत ही अच्छी आई है, हालांकि थर्ड पार्टी के लिए तो ये एक जहन्नुम वाली बात हो गई है कि इस थर्ड पार्टी की जिंदगी जहन्नुम बनती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी उठा रही थी फायदा आपके पार्टनर के फीलिंग्स का, आपके पार्टनर के अच्छेपन का, तो अब इस थर्ड पार्टी को बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपके पार्टनर का करारा तमाचा जो पड़ने वाला है वो बहुत ही महंगा पड़ने वाला है और इसके होश ठिकाने आने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि पार्टनर जो है बहुत करारा तमाचा इसके मुंह पर मारने वाले हैं और ये थर्ड पार्टी का जो एंड मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। पार्टनर की बातें दिल पर चुभ रही है, पार्टनर की बातों को थर्ड पार्टी जो है एक सुइयां चुभ रही है, ऐसे इसको फील हो रहा है। जो उम्मीद थी वो टूट गई है, थर्ड पार्टी की जो उम्मीदें थी वो टूट गई है। पार्टनर थक गए हैं, पार्टनर हार गए हैं, रोज रोज के ड्रामे, बहस, ये सब नहीं चाहिए। अब आपके पार्टनर सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं, है ना, सुकून चैन की तलाश में है आपके पार्टनर। नो कांटेक्ट में है आपके पार्टनर और डियर पार्टनर सोच रहे हैं कि वो दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर शायद आपके लिए गलत कर बैठे। तो यहाँ पर कुछ चीजें उनको रियलाइज हुई है, कुछ चीजें उनको समझ आई है और डियर दूसरों के कारण आपको रिजेक्ट करा था आपके पार्टनर ने, इस बात का भी मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। आप उनको प्यार देते रहे, आप उनको लव देते रहे और आपको वो छोड़ गए, है ना, किसके पीछे, दूसरों के पीछे उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हो रहा है, वो बाकी लोगों को देखते रहे, है ना, बाकी लोगों के लिए उन्होंने आपको कहीं ना कहीं अपने से डिटैच कर दिया, अपने फैमिली, अपने थर्ड पार्टी के लिए, अपने रोमांटिक थर्ड पार्टनर के लिए उन्होंने ऐसा आपके साथ में किया था, लेकिन वो आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ऐसा निकला था डियर जो बता रहा था कि वो अब आपकी तरफ आ रहे हैं। सिचुएशन में उलझे थे, अब
थर्ड पार्टी को जो करारा तमाचा पड़ने वाला है, उसके बाद तो थर्ड पार्टी के आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालत होने वाली है कि ये डिसीजन नहीं ले पाएगी। अब डिसीजन जो होगा वो पार्टनर का होगा, अब डिसीजन जो होगा आपके पार्टनर की तरफ से मुझे एक स्ट्रांग डिसीजन दिखाई दे रहा है। वो बहुत जल्द बात करेंगे डियर आपसे, हो सकता है आपको कहीं डेट पर ले जाए, कॉफी पर ले जाए, है ना। आपकी तरफ तेजी से आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ तेजी से आने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको मैसेज आएगा, आपके साथ में लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो चलिए कुछ मैसेज निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, क्या है मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए। ठीक है डियर, तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे व्यूवर्स आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स आपके पार्टनर की तरफ से निकल रहा है। देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि यहाँ पर मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के दिल का क्या मैसेज है जो मेरे व्यूवर्स के लिए जरूरी है जानना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज यहाँ पर निकल रहे हैं। ओके, तो बहुत सारे मैसेज हमने ले लिए हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेजेस यहाँ पर निकल रहे हैं, क्या मैसेज आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से है। तो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन बताएं कि क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आता है, क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आता है, क्या बात है भाई। चलिए, काफी मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, थोड़े से मैसेज और ले लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। बहुत कुछ छुपा है मेरे दिल में जो तुम्हें बताना है, आई शेयर माई एवरीथिंग। ओके, तो आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत कुछ छुपा है, बहुत सारी फीलिंग्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अब वो आपको अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, अब वो आपको अपने दिल की हर एक बात बताना चाहते हैं, आपसे कुछ हाइड नहीं करना चाहते हैं। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ रहना मैं ये चाहता हूँ। तो आपके पार्टनर के दिल में जो जज्बात चल रहे हैं, जो फीलिंग्स चल रही है, वो ऐसी है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत खो चुके हैं, वो आपको बार बार धोखा दे चुके हैं, बार बार आपके साथ में गलत कर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उन्होंने आपका दिल हमेशा तोड़ा है, आपको रिजेक्ट करते रहे, लेकिन अब वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। मैं तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी है, तो आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, बहुत रुलाया है। अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये सब जो दर्द आपको दिया है वो बहुत ही तकलीफ दे था, बहुत ही पेनफुल था, ये रिश्ता मैं कभी ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। तो आपका पार्टनर जो है आपके लिए ये सोच रहे हैं कि वो ये रिश्ते को कभी खत्म नहीं होने देंगे, वो ये रिश्ते को कभी हाथ से जाने नहीं देंगे, इस रिश्ते के लिए वो अब स्टैंड लेंगे। इन दुनिया ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। तो डियर, आपके पार्टनर यहाँ पर बता रहे हैं कि दुनिया जो थी उसके कारण जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, उस दूरियों ने आप दोनों के रिश्ते में जो आपके पार्टनर को बदला है वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, है ना। आपके पार्टनर कितना भी दूर हो जाएं पर वो आपसे दूर नहीं हो सकते हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है डियर आपके पार्टनर को, और वो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो बहुत जल्द बात भी करना चाहते हैं। तुमसे ही मेरी सारी खुशियां हैं, तुम ही मेरी हैप्पीनेस हो। तो आपके पार्टनर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, आपके बिना उनकी लाइफ जो है अधूरी है, आपके बिना उनकी लाइफ में हैप्पीनेस अधूरी है, और वो हर पल हर वक्त बस तुम्हें ही मिस करते रहते हैं, तुम्हारे ही ख्यालों में खोए रहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। मेरा पहला प्यार हो तुम, मैं तुम्हें से बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए जो प्यार है वो बहुत ही ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इमोशंस है, ऐसा लगता है सब छोड़ दूं आपके लिए। तो भाई, आपके लिए तो सारी दुनिया छोड़ने को तैयार हो चुके हैं, अब इनको रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो रिजेक्ट किया था आपको उसके बाद में इनको काफी हद तक चीजें समझ आई है, काफी हद तक चीजों को ये जान पाए हैं। और डियर, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपसे दूर होने के बाद में उन्होंने जो एहसास किया है, जो चीजें समझी है, वो बहुत ही अलग तरीके से मुझे दिखाई दे रही है कि वो बहुत ही चीजों को समझ पाए हैं, है ना। तो अभी आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के कारण उनका जो एक ऐसा हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए
नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर बॉटम से जो निकला है वो है सेवन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी की तरफ से भी उन्हें धोखा मिला और उन्होंने धोखे में ही बहुत सारी सिचुएशन खराब करी है। धोखा धोखा करना भी गलत बात है, इतना धोखा किसी को दोगे तो धोखा ही हाथ लगेगा। आखिरकार वो धोखे की दुनिया में जाकर उनको एहसास हुआ कि आपका प्यार सच्चा था, आपका जो लव था वो ट्रू लव था। आज ये सच्चे प्यार की तलाश में भटक रहे हैं, एक सच्चे प्यार को पाना चाहते हैं। नींदें इनकी उड़ चुकी है, बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ इनको हो रही है कि भाई मुझे तो मेरा पार्टनर चाहिए किसी ना किसी तरह से। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये जो रिजेक्ट करके गए थे अब आपका हाथ मांगना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं, इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाह रहे हैं। ओके डियर, तो ये है थर्ड पार्टी के साथ में। आपने देखा कि उनको अभी बहुत घुटन हो रही है और वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत फास्ट एक्शन वो लेना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। और डियर मैसेजेस भी बहुत अच्छे निकले थे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, रेजोनेट करी है तो डियर प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।